नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर शहर में अच्छी बारिश की कामना को लेकर जहां आम जनता कई तरह के जतन कर रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधि भी भगवान से अच्छी बारिश के लिए गुहार लगा रहे हैं। वहीं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और विधायक आकाश विजयवर्गीय पंडरीनाथ क्षेत्र के इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे और भगवान से अच्छी बारिश की कामना की। किए गए यज्ञ के दौरान सुमित्रा महाजन और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भगवान से अच्छी बारिश की कामना कर मंदिर से पूजा पाठ की। ऐसा कहा जाता है कि हर वर्ष इंद्रेश्वर महादेव से प्रार्थना करने के बाद इंदौर में पर्याप्त बारिश होती है। ये पहली बार नहीं कि पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन बारिश की कामना को लेकर आम जनता के बीच पहुंची हो। पहले भी कई बार ऐसे मौकों पर जनता के हितों के लिए कई आयोजन करवाती रही है। बरसात को लेकर यज्ञ किया है आपने? बरसात को लेकर जो यज्ञ किया है यहाँ पर, जो अभिषेक हुआ है पूजा? अच्छा अच्छा। वैसे अहिल्योत्सव समिति प्रतिवर्ष एक तो अहिल्या माता की पुण्यतिथि पर भी इंद्रेश्वर महादेव पे अभिषेक करती है, रुद्राभिषेक करती है। और आपको ये भी मालूम है, साधारणतः प्रतिवर्ष बारिश अच्छी हो, वर्षा अच्छी हो, ईश्वर की कृपा रहे इंदौर पर, ऐसा करके अहिल्या माता को याद करते हुए इंद्रेश्वर पे हमेशा अभिषेक किया जाता है। होता है कभी कभी देर अवेर होती है, मगर अब इतनी हो गई कि लोग याद करने लगे। तो अभी जैसे वर्षा हो नहीं रही तो लोग याद करते हैं। अहिल्योत्सव समिति वालों को भी फोन जाते हैं, मुझे भी आते हैं कि अभिषेक करो, इंद्रेश्वर को बोलो। ऐसी है, इंद्रेश्वर पे निष्ठा है और अहिल्या माता पे निष्ठा है। तो आज वर्षा अच्छी हो इसलिए अहिल्योत्सव समिति की ओर से ये यहाँ पर रुद्राभिषेक। लंबी खिंच गई वर्षा, वर्षा हो ही नहीं रही, किसान भी परेशान है, बारिश होनी सही अब देखो, हम लोग प्रार्थना ही कर सकते। आज मैंने इसलिए आखिरी में माता से क्षमा भी मांगी, क्योंकि अहिल्या माता ने सिखाया था वातावरण अच्छा कैसे करो, पर्यावरण अच्छा कैसे करो। पर्यावरण के लिए वो पेड़ पौधों से लेके हर एक की चिंता करती थी। हमने वो चिंता छोड़ दी है आजकल, है ना? तो कहीं ना कहीं हमसे गलती भी हो गई। तो इसलिए हम सबने एक माला करी, नमः शिवाय की एक माला आखिरी में सबने करके, और अहिल्या माता को माफ़ी भी मांगी कि हम बच्चों ने कुछ गलती करी हो तो भी नाराज नहीं होना। और आप भी इंद्रेश्वर को कहे, हमारे परमेश्वर को कहे कि वर्षा करे और रोगों के दुख दूर हो जाए, ये आखिरी में प्रार्थना करें। गलतियाँ हमारी भी थोड़ी होती है ना, कि हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते, मगर आजकल इंदौर वाले अच्छा काम कर तो रहे हैं, तो लगता ही होगा। श्रद्धा रखो और आएगी वर्षा, आएगी थोड़ी जल्दी वगैरह होती है, देर होती है, आएगी। तीसरी लहर ना आए इंदौर में, इसकी कोई प्रार्थना की है? कोरोना की तीसरी लहर ना, इसको लेकर ये तो ये प्रार्थना हमें ऐसे करके करना है, जो मैंने मास्क निकाला तो हमने भी सावधानियां कुछ लेना चाहिए। अभी हम ऐसे होते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम अपनी सावधानियां रखें तो अपने आप कहीं ना कहीं हम उसको रोक सकेंगे। और इसके लिए मैंने एक बात और भी करी है, मैंने कोशिश की है, मैंने मुख्यमंत्री को भी कहा, कलेक्टर से भी बात की, कि जो इसके लेवल पे तहसील लेवल के हमारे छोटे स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, छोटे हॉस्पिटल है, उनको हम अभी अच्छे करें जो हमें समय मिला है, ताकि ग्रामीण को हम थोड़ा वहीं पे कुछ प्राथमिक इलाज क्यों ना हो दे सकेंगे। इंदौर के हॉस्पिटल तो हम कर ही रहे हैं, मगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को थोड़ा अपग्रेड करने के मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, देखो उस पर काम हो जाएगा। तो उसके भी उपाय करना पड़ेंगे ना, ये तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रार्थना करें, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। जनसंख्या क्या, इंदौर दाहोद रेल प्रोजेक्ट जो है पूरा नहीं हुआ है, एक सपना था। देखो एक बात समझो, मैंने सतत ये प्रयास किया इंदौर के लिए, कि एक तो इंदौर व्यापारिक शहर है, इंदौर औद्योगिक शहर है, ये मैंने शुरू से मैं बोलती आई हूँ, 89 में जब से जनप्रतिनिधि बनी तब से बोलती आई। और जब कोई औद्योगिक व्यापारिक शहर है तो मैं ये मानती थी उसके विकास के लिए यहाँ पर
संचार के साधन अच्छे होना चाहिए, चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे हवाई जहाज की यात्रा हो, और बाकी भी सभी साधन यहाँ पर अच्छे होना। और मैंने उस दृष्टि से सतत प्रयास शुरू किए थे, उसमें इंदौर दाहोद लाइन भी है। मगर आप देखते हो सरकारी प्रोजेक्ट का जैसा भी होता है, पहले ये इंदौर दाहोद प्रोजेक्ट जो था देवास, ये प्रोजेक्ट ऐसा था देवास इंदौर मक्सी देवास, मक्सी देवास इंदौर दाहोद ऐसा था, और केवल 300-350 करोड़ का ओरिजिनल प्रोजेक्ट था। बढ़ता चला गया, बना नहीं, हमने प्रयास शुरू किए। फिर मैंने, आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा पहले एक छोटा टुकड़ा पूरा करो जितना पैसा मिले, तो हमने मक्सी देवास लाइन पूरी की, और मक्सी देवास पे गाड़ियाँ भी चलना, इंदौर वाया मक्सी गाड़ियाँ चलना भी प्रारंभ हुआ। फिर इंदौर दाहोद पे हमने प्रयास शुरू किए, कई सारे बीच में संकट तो आते गए, कभी भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, कभी कुछ हुआ, फिर बीच में ये टनल की कल्पना आई, जो भी आई, और होता रहता है, तो हम प्रयास पूरा कर रहे हैं। मैंने अभी उनको कहा है कम से कम टुकड़े टुकड़े में इसका काम भी करा किया जा सकता है अगर सरकार के पास पैसा नहीं, तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि अभी टिही तक तो मार्ग हो गया, पीथमपुर हमारा सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, और पीथमपुर ये आदिवासी क्षेत्र के हिसाब से पीथमपुर है, वो धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, धार डिस्ट्रिक्ट भी आदिवासी। तो मैंने कहा है कि इंदौर से धार तक एक पहला फेज मानो, इसको जल्दी पूरा करो। तो इंदौर से धार, तो वहाँ से उदयपुर से भी एक उदयपुर स्थान जो है, उदयपुर धार का एक जो लाइन जुड़ेगी वो धार तक जुड़ेगी, और फिर वो दाहोद तक तो लाइन आ गई है शायद, वहाँ से दाहोद से झाबुआ का हमारा कौन सा इलाका है वहाँ तक, तो वो भी बात नहीं। तो मैंने उनको कहा है फेज वाइज काम करो, भले ही अगर नहीं हो तो दो दो साल में पैसा देते जाओ तो 2-4 साल में काम पूरा हो सकेगा, ऐसे सुझाव दे रही हूँ। एक आध बार सांसद को लेके देखने, हमारा सांसद शंकर लालवानी भी अच्छी मेहनत कर रहा है, मैं हर प्रोजेक्ट की उसको जानकारी भी देती हूँ, जो भी पत्र भेजती हूँ उसकी भी उसको जानकारी देती हूँ। हम दोनों एक बार सोच रहे हैं कि हम टिही तक या आगे तक जाके एक बार काम भी देखेंगे, उसका करेंगे। जनसंख्या बड़ी की नगरी है, अब भव्य इमारत बनाने के लिए कहा है, कैसे आप देख रहे हैं, क्या जमीन का चयन हो गया है, कब तक वो बन जाएगी, क्या अहिल्या की जो भव्य स्मारक बनाने की बात शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं, ये अहिल्या का स्मारक मेरे मन में इसलिए बार बार आया, जैसे आपने कहा इंदौर अहिल्या की नगरी, मगर मैं आपको पूछूं अहिल्या क्या थी तो आप भी 4 लाइन से ज़्यादा नहीं बोल सकेंगी, हो सकता है हमें नहीं मालूम अहिल्या बाई का महत्व क्या है, आज भी लोग उनका नाम क्यों लेते हैं, तो ये सब चीज़ें। और यहाँ इंदौर में कई सारे लोग आते हैं जो पूछते हैं कि अहिल्या बाई क्या थी, उन्होंने कौन से ऐसे बड़े काम किए, अभी क्यों उनका नाम लिया जाता है, ये प्रश्न होते हैं। और हमारे पास ऐसे दिखाने के लिए लोग क्या हैं, आपकी उम्र के मैं कहूँगी, युवा नाराज नहीं हो, युवा भी आजकल एकदम, मैं कहूँ ये किताब पढ़ो तो मालूम पड़े तो बोलते नहीं किताब पढ़ेंगे पढ़ेंगे करके छोड़ देते, और फिर सामान्य लोगों को भी लगता है कि कुछ सामने दिखे। तो स्मारक की जो कल्पना मैं बार बार कर रही हूँ, और मैंने सरकार से भी मांग करी है कि थोड़ी ज़मीन मिले, तो वहाँ पर अहिल्या बाई के जीवन प्रसंग, जिसके कारण हम उनको मानते हैं कि उन्होंने क्या किया, तो उनके जीवन के प्रसंग, उन्होंने किए हुए काम, ये कहीं ना कहीं चित्रकारी के द्वारा, कहीं ना कहीं मूर्तियाँ बना करके, प्रसंग खड़े करके, आजकल जो आपके हैं ना कियोस्क बोलते हो आप, कियोस्क लगा सकते हैं, ये ऐसा कुछ करके, जो भी यहाँ पर सैलानी आएंगे, यहाँ इंदौर के भी नागरिक, आसपास के लोग, उनको अहिल्या का चरित्र, और उसी के जरिए पूरे होलकर, वैसे तो मल्लाराव होलकर के कारण ये सब जाना जाता है, हमारे लोगों ने जो पराक्रम किए उसकी भी एक गाथा उसके साथ मालूम पड़ेगी, अहिल्या बाई ने पूरे हिंदुस्तान में जो काम किए उसकी भी झलक हम दिखाएंगे। तो ऐसा मेरा एक प्रयास है, मेरे मन में कुछ खाका तो तैयार है, और अभी शिवराज सिंह जी ने अगर ये घोषणा भी की है तो मैंने उनसे भी कहा, धन्यवाद दिए मिलने आए तब, मगर मैंने ये कहा है कि ये केवल सरकारी तौर पे नहीं हो, इंदौर के कलाकार जुटे, इंदौर के लोग जुटेंगे और कुछ करेंगे, तो ज़्यादा ये मेरी कल्पना है, देखते हैं कुछ आएगा।
जो ये आज आपने प्रार्थना की है बारिश नहीं हो रही, खासतौर से 15 जून से एक महीना लेट हो गई। देखिए जब भी बारिश लेट होती है, मानसून लेट होता है, तब हम इंदौर के प्राचीनतम इंद्रेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करते हैं। और अहिल्या उत्सव समिति बहुत ही विधि विधान के साथ माननीय ताई जी सुमित्रा महाजन जी के नेतृत्व में यहाँ पर हवन यज्ञ कराती है, अभिषेक कराती है। और देखने में आया है कि जब जब भी वो विधि विधान के साथ हुआ है यहाँ पर अच्छे परिणाम आए हैं। वर्षा होती है, जल आपूर्ति होती है शहर में। इसी हर बार की तरह इस बार भी उसकी ज़रूरत पड़ती दिख रही है। तो माननीय ताई जी के नेतृत्व में, अहिल्या उत्सव समिति के मार्गदर्शन में, हम सब ने मिल करके यहाँ पर आज इंद्रेश्वर महादेव जी से प्रार्थना की है कि इंदौर में अच्छी वर्षा हो और सभी को पर्याप्त जल प्राप्त हो। और हमें पूरा विश्वास है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और जल्द से जल्द अच्छी वर्षा होगी शायद।